प्यारे बहन भाइयों, बारिश आ चुकी है, बहुत ज़्यादा बारिश आ चुकी है। प्यारे बहन भाइयों, टाइम जो है अभी हो चुका है 3:30 और बारिश आ गई है हमारे इलाके में। तो देखें, मौसम बहुत ही खुश्क था, धूप निकली हुई थी और मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह के निज़ाम है। बस अभी अभी जो है फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें बारिश बरस रही है। वो मोटे मोटे आ गए हैं कने, अंदर भी आ रहे हैं। हाँ, अंदर भी आ रहे हैं। तो ये रहे जी मैडम साहब, आप छुप रही हैं। हाँ, बारिश से कपड़े गीले हो रहे थे ना। हाँ, क्या बोलती है बख्तावर, बारिश में जाना है? हाँ। नहीं, बारिश में नहीं जाना पुत्र, बारिश में जाने से ना, नहीं पता है क्या, आजकल का जो मौसम है ना, ये बीमार हो जाते हैं बच्चे। हाँ, इधर आ जाओ। क्या बोल रहे हो हैदर, हैं? इधर देखो हैदर अली, इधर देखो काके हैदर अली, क्या देख रहे हो, मुझे देख रहे हो? हैदर अली भी बैठा है माशाल्लाह, बारिश हो रही है ना, इसलिए इसको अंदर बिठा दिया है। बहुत सारी बारिश आ चुकी है। और मैडम साहबा खड़ी हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी आए खुश रहे, आबाद रहे, सब मुस्कुराते रहे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज का भी लोग जो है बहुत ही अच्छा और जबरदस्त होने वाला है। ये देखें, मौसम एंजॉय करने वाला है, बारिश वाला है। बारिश में कौन सा भी लोग अच्छा होने वाला है, देखे कोई चीज नजर भी नहीं आ रही है, देखे सिर्फ बारिश ही है। मतलब वो देखे निशान नजर नहीं आ रहा, निशान नजर आ रहा है, वो खड़ा है। ओए जिशान, आपका मोटरसाइकिल बाहर नहीं खड़ा, वो भीग नहीं जाएगा? हाँ, मेरे बारिश है, वो खड़ा है देखें गेट में। चलें जी, सही है। अच्छा, आप क्या करने का प्रोग्राम है आज? अभी सोचा नहीं है, अभी तो खड़े हैं बारिश की वजह से अंदर। हाँ जी, तो बारिश कुछ कम होगी तो फिर देखेंगे। चलें, सही हो गया जी। बारिश के मौसम में बाल बनाए जा रहे हैं। हाँ जी, बख्तावर के जी। हाँ। लेकिन ये रो क्यों रही है? ये वही रो रही है, कहते बोलती बारिश है बारिश में जाना है। हाँ जी। नहीं, इसको बारिश में नहीं जाने देना, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ। इसलिए तो बाल खराब हो जाते हैं। हाँ जी। और हैदर अली देखे जी बैठा है, हैदर अली हैदर अली, इधर देखो पुत्र, काका गुट्टर, डा 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 डिंग डन्ना डिंग नक डन्ना डिंग नक डन्ना डिंग नक डन्ना डिंग डन्ना क डिंग डन्ना क डिंग। कपड़े तो वैसे भी इसने भिगो लिए हैं। यहाँ पर बैठी थी ना, यहाँ पर तो बारिश देखें सारी अंदर आ रही थी, यहीं पर बैठ गई और कपड़े सारे भिगो लिए। इसने कहा है कि वैसे आपको धोने पड़ेंगे कपड़े, चलो नहीं जाने देते तो कोई मसला नहीं, कपड़े वैसे ही गंदे कर देने हैं। हैं, पहले भी इन कपड़ों के साथ पहले नहाया है, सर धोया है। हाँ जी, तो कपड़े फिर बदली नहीं किए। मतलब ये अपनी माँ की तरह जिद्दी है, हैं? वाले कहना, ओए हैदर अली, माँ अपनी माँ की तरह जिद्दी है ना, हैं? देख रहा है, बोलता है बात तो बाबा सही कह रहे हैं, बाकी अब साथ किसका देना है, ये सोच रहा था हैदर अली। अब देखना अपने बाबा का साथ देगा, चलो भाई अपने बाबा का साथ दो भाई। हाँ, डिंग नक 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 डिंग नक
जी और हैदर अली काका हैदर अली। ये देखें हवा कितनी बड़ी बेहतरीन चल रही है, अब बारिश तो थम गई है, ये जो बरस रही है ना ये वाली, ये दरख्तों की वजह से है, क्योंकि दरख्त भीग गए थे ना, फिर वहाँ से ये बरस रही है। इस तरफ देखें तो कुछ भी नहीं है, ये देखें बारिश रुक चुकी है। अच्छा 3:30 बजे आई थी, अब जो है 42 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें अब हवा बड़ी मज़े की चल रही है, आपको मैं हवा चेक कराऊं तो देखें कैसे, देखें दरख्त हिल रहे हैं, टटीरियां जा रही हैं, ये देखें करां करां कर रही है टटीरी। और ये कौन बैठा है नकाब लगा के, पता नहीं इंसान है ना, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इतने परेशान क्यों हैं? बारिश आ गई है, दवाई लेने जानी थी, मुखलिस को चेकअप उसका करवाना था, तो इसलिए परेशान बैठी हूँ। अल्लाह पाक खैर करे, टाइम भी होने वाला है। बीबी भी आ गई है नहा के? हाँ। बीबी आप भी आ गई हो, नहा लिया? जैनब ने भी नहा लिया? बख्तावर इसीलिए मुझे लगता है जोर लगा रही थी। हाँ। है ना? बोल रही थी कि मुझे जाना है, सब गए हुए हैं बाहर, मुझे भी जाना है। हाँ जी, इसीलिए बोल रही थी। चलें अब तो बारिश थम चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है कपड़े गंदे करने का। जो सुबह वाले सालन के साथ? हाँ जी। कौन सी चीज बनाई थी, टमाटर और प्याज? प्याज नहीं, टमाटर और हरी मिर्चें, प्याज नहीं डाला था। चलें एक रोटी ले आए, गुजारा चल जाएगा। चलो मैं जल्दी ले आए, शाबाश करें। आज मेरे नखरे चेक करें। चेक कर लिए नखरे? चलें जी सही है माशाल्लाह। तो प्यारे बहन भाइयों रास्ते में जा रहे हैं, अभी लियाकतपुर क्रॉस कर लिया है, अहमद भाई हैं, अजहर भाई गाड़ी चला रहे हैं। ये कैसे तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, मैं हैरान हूँ। और गुलाम बाद भाई हैं और मुखलिस साहब हैं, ये जी मुखलिस साहब, आज इनको लेके जा रहे हैं बहावलपुर। और आपने दुआ करनी है कि इलाज हो जाए और मुखलिस साहब जो है ठीक हो जाए। बस यही रिक्वेस्ट करनी थी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, व्लॉग ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा व्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।